हेलो भाई लोग, क्या हालचाल। स्वागत है आप सभी का फिल्म एक्सप्रो के एक और न्यू एंड एक्साइटिंग वीडियो में। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले मैंने आपसे पूछा था कम्युनिटी पोस्ट में कि आप हॉलीवुड की हॉट मूवी एक्सप्लेन वाली वीडियो देखना पसंद करोगे, तो आप में से 75% लोगों ने हाँ कहा है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ इस सीरीज की पहली वीडियो, जिसमें आप देखेंगे द ड्रीमर्स का मूवी एक्सप्लेन। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मूवी में हम देखेंगे दो भाई बहन जो एक साथ न्यूड नहाते हैं, न्यूड खाते हैं और न्यूड ही सोते हैं। लेकिन एक दिन इनके लाइफ में एक तीसरा लड़का आ जाता है। वह किस तरह से इनके साथ रहेगा और क्या क्या करेगा, आइए हम इस मूवी में देखते हैं। मूवी के शुरुआत में हम मैथ्यू नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका से पेरिस आता है। मैथ्यू को मूवी देखना काफी पसंद होता है और वह काफी सारी मूवीज को भी देखता है। मैथ्यू रोड से जा ही रहा था, तभी उसे कुछ लोग दिखा देते हैं जो कि वहां स्क्रीन रिस्ट्रिक्शन हटाने की मांग कर रहे थे। तब मैथ्यू भी उन लोगों में शामिल हो जाता है। वहां उनकी मुलाकात इजाबेला से होती है। इजाबेला उससे पूछती है, क्या तुम अकेले हो, क्या तुम्हारे साथ कोई फ्रेंड नहीं है। मैथ्यू उसे बताता है वह अमेरिका से आया है, इसलिए अभी उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है। यह सुनकर इजाबेला मैथ्यू को अपने भाई से मिलवाती हैं। इसके भाई का नाम थियो है, जिसके बाद यह लोग वहीं पर बात करते हैं। बाद में यह दोनों दोस्त बन जाते हैं। यह लोग प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन तभी पुलिस आकर इन पर लाठीचार्ज कर देती है। सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। जब रात को यह लोग रास्ते से जा रहे होते हैं, उस वक्त भी यह लोग मूवीज के बारे में बात करते हैं। मैथ्यू इस बात से काफी खुश था कि उसके दो फ्रेंड्स बन गए। घर जाने के बाद मैथ्यू अपने मॉम को एक लेटर लिखता है, जिस लेटर में मैथ्यू अपने नए दोस्तों के बारे में बताता है। मैथ्यू जब सुबह उठता है तो उसके पास थियो का कॉल आता है, जो कि उसे रात में डिनर के लिए इनवाइट करता है। मैथ्यू उनके घर जाता है। इजाबेला उसे अपने मॉम डैड से मिलवाती हैं। इजाबेला के पिता एक पोएट होते हैं। डिनर करते हुए वह मैथ्यू को बताने लगते हैं कि पोएट में इंस्पिरेशन कैसे आता है, लेकिन मैथ्यू का ध्यान उनकी बातों में नहीं होता है, जबकि उसका ध्यान कहीं और होता है। इस बात से इजाबेला के पिता गुस्सा हो जाते हैं। इस पर मैथ्यू बताता है कि वह इस लाइटर को देख रहा था। मैथ्यू कहता है, हम में और हमारे आसपास में जो भी चीजें हैं उनमें एक सिमेट्री है। मैथ्यू कहता है, जैसे एक वेलकम पॉज म्यूजिक बजता है, उसी तरह इस लाइटर में भी एक ब्यूटीफुल हारमोनी है। मैथ्यू की ऐसी बातों को सुनकर इजाबेला के पिता काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं, आज के जेनरेशन में भी चीजों को इस तरह से देखने वाले लोग मौजूद हैं। इसके बाद इजाबेला के मॉम डैड वहां से चले जाते हैं, क्योंकि वह दोनों यहां पर नहीं रहते हैं। वह अपने काम के कारण बाहर रहते हैं, लेकिन जाने से पहले वह अपने बच्चों के लिए चेक छोड़कर जाते हैं ताकि वह आराम से यहां रह सके। रात में जब यह तीनों एक जगह बैठे होते हैं, तब इजाबेला मैथ्यू को किस करके उसे यहीं रुकने के लिए कहती हैं। मैथ्यू का यहां रुकने का कोई भी प्लान नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो वहीं रुक जाता है। रात में जब मैथ्यू उठता है, तब वह देखता है इजाबेला के रूम में इजाबेला और थियो न्यूड ही सोए हुए थे। यह देखकर उसे काफी अजीब लगता है। जब सुबह होती है, इजाबेला मैथ्यू की आईज में किस करके उसे उठाती है। मैथ्यू उससे पूछता है, यह तुम क्या कर रही हो। तब इजाबेला कहती है, वो थियो को भी इसी तरह उठाते हैं। मैथ्यू को उनकी सारी हरकतें बहुत अजीब लग रही थीं। इसके बाद इजाबेला मैथ्यू को बाथरूम ले जाती है, जहां थियो न्यूड ही था। इजाबेला और थियो का बर्थ एक साथ ही हुआ था, इसलिए वह दोनों एक दूसरे को अलग नहीं समझते थे और वह एक दूसरे से शर्म भी नहीं करते थे। यहाँ पर थियो मैथ्यू से कहता है, तुम तो अकेले ही रहते हो, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। यह सुनकर मैथ्यू उनके पास ही रहने लगता है। एक दिन यह लोग गेम खेलते हैं। एक आदमी मूवी का डायलॉग बोलेगा और दूसरे आदमी को उस मूवी का नाम गेस करके बताना होगा। अगर वह नहीं बता पाया तो उसे भी डेयर दिया जाएगा। पहले थियो एक मूवी का सीन करके दिखाता है, लेकिन मैथ्यू और इजाबेला को कुछ समझ में नहीं आता है, जिस पर थियो उन्हें एक चैलेंज देता है कि उन्हें थियो के सामने ही इंटीमेट होकर दिखाना पड़ेगा। तभी गेम रूल के हिसाब से इजाबेला वहां पर अपने सारे कपड़े उतार देती हैं। यह सब देखकर मैथ्यू बहुत शॉक हो जाता है। इसके बाद मैथ्यू वहां से बाथरूम में चला जाता है। जब वह बाथरूम से बाहर आता है तो थियो उसे पकड़ लेता है। उसके बाद यह लोग मैथ्यू के कपड़े उतार कर जब देखते हैं, तब इजाबेला को मैथ्यू के प्राइवेट पार्ट में उसकी एक फोटो चिपकी मिलती है, जो कि उसने छुपा रखी थी। जिसके बाद मैथ्यू इजाबेला के साथ इंटीमेट होता है।
यह इजाबेला का फर्स्ट टाइम होता है, इसलिए उसे काफी पेन होता है, लेकिन फिर भी उसे मैथ्यू का साथ अच्छा लगता है। मैथ्यू उसके साथ जब फिर से इंटीमेट होता है तो वह उससे उसके और थियो के बारे में पूछता है। वह उससे पूछता है, तुम लोग ऐसे कैसे रहते हो। इजाबेला मैथ्यू को बताती है, वो और थियो एक साथ जन्मे थे, इसलिए वो एक दूसरे को अलग नहीं समझते, लेकिन उनमें कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं है। यह सुनकर मैथ्यू इजाबेला से कहता है, अगर इन सब के बारे में तुम्हारे पेरेंट्स को पता चल गया तो क्या होगा। यह सुनकर इजाबेला कहती हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो वह अपनी जान दे देंगी। कुछ दिन बाद इजाबेला और थियो के पास जो पैसे थे वह खत्म होने वाले होते हैं, क्योंकि वह काफी अय्याशी करते थे। वह महंगी चीजें खाते थे और महंगी वाइन भी पीते थे। पैसे कम होने की वजह से यह लोग काम करने लगते हैं। एक दिन मैथ्यू और थियो नहा रहे होते हैं, तभी वहाँ इजाबेला आ जाती हैं और उनके साथ ही नहाने लगती हैं। इसी बीच इजाबेला मैथ्यू से पूछती हैं, तुम हम दोनों से प्यार करते हो, यह तुम्हें साबित करके दिखाना होगा। यह बोलकर यह दोनों मैथ्यू के पॉबिक हेयर काटने लगते हैं, लेकिन यह सब मैथ्यू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कहता है, तुम लोग बच्चे जैसी हरकतें क्यों करते हो, तुम्हें बिल्कुल भी कुछ मालूम नहीं है। मैथ्यू इजाबेला से कहता है, आज तक तुम्हारा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, बस तुम अपने भाई के कहने पर ही सब कुछ करती हो। मैथ्यू के ऐसा बोलने पर इजाबेला उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है और उसके साथ डेट पर जाती है। वहीं दूसरी तरफ थियो भी एक लड़की को डेट करता है और उसे घर लाकर उसके साथ इंटीमेट होता है, लेकिन जब मैथ्यू और इजाबेला घर वापस लौटते हैं तब वह देखते हैं थियो किसी लड़की के साथ है। उन दोनों की आ रही आवाजों से इजाबेला परेशान हो जाती हैं। इजाबेला को काफी बुरा लगता है और वह रोने लगती हैं। इसके बाद थियो मैथ्यू के साथ वाइन पीता है और उसके साथ पेरिस में चल रहे रेवोल्यूशन के बारे में बात करता है। मैथ्यू उससे कहता है, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है अभी देश की हालत कैसी है, जब तुम बाहर जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा। इसी बीच इजाबेला वहां आकर उन्हें हॉल में लगे टेंट पर लेकर जाती हैं। इजाबेला मैथ्यू को बताती हैं, जब वह दोनों छोटे थे तब वह टेंट पर न्यूड ही सोया करते थे। इसके बाद यह तीनों न्यूड होकर टेंट में सो जाते हैं। अगली सुबह इजाबेला के मॉम डैड वहां आते हैं, जो उन्हें न्यूड सोता देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन वह उन्हें उठाए बिना ही चेक साइन करके वहां से वापस चले जाते हैं। इसके बाद इजाबेला जब उठती हैं तो वहां चेक देखती हैं, जिससे उसे पता चलता है कि उसके मॉम डैड यहां आए थे और उन्होंने उनको ऐसी हालत में देख लिया है। उसके मॉम डैड के लिए इजाबेला गिल्ट फील करने लगती हैं और वो अब अपने मॉम डैड के सामने नहीं जा सकती थी, इसलिए वह सुसाइड करने के लिए घर में गैस फैलाने लगती हैं। लेकिन बाहर रेवोल्यूशन चल रहा था, तभी उन लोगों का एक पत्थर घर की खिड़की से अंदर आ जाता है। मैथ्यू और थियो नींद से जाग जाते हैं, जो कि बाहर चल रहा है रेवोल्यूशन में शामिल हो जाते हैं, लेकिन थियो सबसे आगे चला जाता है और उनका रास्ता रोकने वाले पुलिस ऑफिसर पर पत्थर फेंकने लगता है। मैथ्यू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं सुनता। इजाबेला भी थियो का साथ देने लगती हैं, लेकिन मैथ्यू उनका साथ नहीं दे सकता था, इसलिए वह वहां से चला जाता है। इसके बाद पुलिस फोर्स सभी लोगों पर लाठियां बरसाने लगती है। यह देखकर सभी लोग वहां से भागने लगते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।